हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुल्फ़ी, मलाई कुल्फ़ी। और वो भी हम बनाएंगे एकदम नए तरीके के साथ। उसके लिए मैंने ये आधा कप दूध लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। हाँ, गेहूं के आटे के साथ हमें कुल्फ़ी बनाने वाले हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से, गुठली नहीं बननी चाहिए, ऐसे मिक्स करना है। इसमें नॉर्मली कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम कॉर्नफ्लोर की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी रेसिपी टेस्टी तो बनेगी ही, साथ में हेल्दी भी बनेगी। एकदम टेस्टी रेसिपी बनती है इसके साथ। आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। अब एक पैन में हम 1/4 कप, ये मेजरिंग कप है, 1/4 कप मेजरिंग कप की मदद से हम शक्कर लेंगे। इस शक्कर को हमें कैरेमलाइज करना है, मतलब अच्छे से ब्राउन कलर की होने तक इसको पिघला के लेना है। धीरे धीरे शक्कर मेल्ट हो रही है, इसे पूरा पिघला के लेना है। आप देख रहे हैं ये मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें दूध मिलाएंगे। इसको ज़्यादा जलने तक नहीं पकाना है, नहीं तो कड़वा टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसमें 1/2 लीटर के करीब दूध डालेंगे। ये इस तरह से जम जाती है, बाद में ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। जो हमने शुगर कैरेमलाइज की थी वो पूरी तरह से इसमें पिघल गई है। कैरेमलाइज करने से हमारे कुल्फी में एक अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी आएगा, इसलिए हमें इस तरह से कैरेमलाइज करके लेना है। अब हम इसमें, ये मेजरिंग कप 1/2 कप है, वो हमने मलाई ली है, घर की बनी मलाई है। आप तो चाहे तो मार्केट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप मलाई ली है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें जो हमने आटा मिलाया हुआ दूध है वो मिलाना है इसमें, और कंटिन्यूसली इसको हिलाना है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। इसलिए अच्छे से पकने तक, गाढ़ा होने तक हमें इसको हिलाते रहना है। 10 मिनट पकने के बाद अब हम और इसे इसमें 1/2 टेबल स्पून, और हम इसमें गेहूं का आटा मिलाएंगे। पहले 1 मिलाया था, अब 1/2 टेबल स्पून मिलाना है। और जो भी ये साइड में लगता है उसको निकालते ही इसको पकाना है। और इलायची का पाउडर डालेंगे, 2 इलायची का पाउडर है ये। अब आप देख सकते हैं ये एकदम से मिश्रण गाढ़ा बन गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको पूरा ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारे कुल्फी का मिश्रण एकदम से गाढ़ा बन गया है। 1/2 घंटा मैंने इसको बाहर ही रखा था, ये इतना गाढ़ा हो गया है, एकदम रबड़ी के जैसा। अब हम इसको मोल्ड में डाल के इसकी कुल्फी बनाने के लिए रखेंगे। कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने कुल्फ़ी मोल्ड का यूज़ नहीं किया है। ये जो पेपर कप आते हैं छोटे छोटे, उसके साथ हम कुल्फ़ी बनाएंगे। तो अब हम इस कप में कुल्फ़ी का मिश्रण डालेंगे। इसको एक अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे। कप में हम इसका जो मिश्रण है वो भरेंगे। इस तरह से यहाँ तक हमें भरना है। इसी प्रकार से हम सारे कप भर लेंगे। सारा कुल्फी का मिश्रण मैंने मोल्ड में कप में डाल दिया है। अब इस तरह से हमें छोटे छोटे एल्युमिनियम फॉइल के स्क्वायर लेने हैं और इसको इसकी मदद से हम रैप करेंगे अच्छे से।
इस तरह से इसको कवर करना है। आप चाहे तो इस पर रबर बैंड भी लगा सकते हैं। सारे कप में हम ऐसे लगा लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल लगाने के बाद हमें इसमें स्टिक डालनी है। आप इसे कट मार के इसमें इस तरह से स्टिक डाल के रखिए, या फिर आप ये भी उसमें डाल के रख सकते हैं। हम इसमें इस तरह से ये सेट होने के लिए 7-8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। कुछ कुल्फी मैंने जो ये आइसक्रीम के रेडीमेड आइसक्रीम मिलता है उसके मटके रहते हैं उसमें भी मैंने डाल दिया है, तो ये हमारी मटका कुल्फी बनके तैयार होगी। इसके ऊपर ढक्कन है तो मैं इसके ढक्कन ही लगाऊंगी। अब हमें इसे 5-6 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है। आप देख सकते हैं हमारी कुल्फी अच्छे से सेट हो गई है 5 घंटे के बाद। ये मटके वाली कुल्फी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने अच्छे से सॉफ्ट बनके तैयार हो गई है। और ये जो है ये हम पेपर इसको फाड़ के बाहर निकाल लेंगे इस तरह से।